नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा HTML कोडिंग में, जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोग को बताया था फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर का प्रयोग कैसे करते हैं, उसी प्रकार मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आज मैं डिव टैग का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। चलते हैं वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कोडिंग किया, टाइप किया, इस तरीके से करते हैं, इसलिए किया जाता है देखिए कि आपको रिजल्ट तुरंत फटाफट आपका मिलता रहे, आपको आउटपुट आपके सामने बगल में दिखता रहे, इससे आपका आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ भी बन गया। अब यहाँ पर जैसे कुछ भी लिखा लिखा टेक्स्ट में डाला पैराग्राफ मैंने किया। अब मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ आ जाएगा, आया पैराग्राफ मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे। अब इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जैसे मैं और कुछ चीज़ें लिखना है। अब मैं यहाँ पे डी वी टाइप का प्रयोग करूँगा, डी वी स्टाइल ब्रेकेट करूँगा, डी आई वी डी स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो कलर में आपको देना है, मैंने डाला बैकग्राउंड कलर, अगर हमको बैकग्राउंड कलर करना तो क्या करेंगे, हम डी वी स्टाइल का प्रयोग करेंगे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लिखेंगे। माइनस करेंगे यहाँ पे कलर, देखिए सी सी एस का कोडिंग किया जाता है इसमें, इसलिए इस तरीके से होता है। अब मैं डार्ट करूँगा, अब यहाँ पे जो हमें कलर करना है कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे कॉलन जो कलर करना है, क्या नाम देना है आपको कलर का, मैं जरा लाइट ब्लू करा लेंगे, यहाँ पे लाइट ब्लू कर देंगे, हमारा कलर में क्या हो जाए वो लाइट ब्लू में आपका हो। लाइट ब्लू मैंने किया, नोट कहा मैं क्या करूँगी, तो मैं बंद कर दूँगा। अब बंद करने के बाद बंद करेंगे, क्या आप करना चाहते हैं, मतलब क्या आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या डिग्री लगाना चाहते हैं। तो हेडिंग में डाला मैंने H1, मैंने किया हमारे बंद किया, इसमें लिखूँगा इसे लास्ट में क्या कर दूँगा, डिस्प्लेस डी आई भी लगा दूँगा। अब इन करने के बाद मैं इसको रन कराऊँगा तो क्या होगा, हमारा जितना मैंने लिखा इस कलर क्या हो जाएगा, ये चीज़ों का कलर हो जाएगा, कलर भी नहीं हुआ पर इस तरीके से डी आई भी का मतलब होता है, इसमें बैकग्राउंड इसके ऊपर कलर करना हो इस तरीके से आपको कलर कर सकते हैं। और क्या करेगा, थोड़ा लाइन में ब्रेक भी कर देगा, देखिए थोड़ा लाइन में आपका जगह भी आपको छोड़ रहा है। जैसे मैं इसी का पैराग्राफ को इसमें कॉपी करके इसके जस्ट नीचे में कर ले रहा हूँ, जस्ट मैं नीचे गया तो पेस्ट किया, थोड़ा और आगे मैं डाल दिया, पेस्ट कर दिया, मैंने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दिया वहाँ पर भी टेक्स्ट कर दिया। अब मैं रन कराऊँगा, यहाँ पे देखेंगे ना स्पेसिंग का है, यहाँ पर स्पेसिंग ऐसे भी आपका स्पेसिंग का है। डी आई वी का मतलब होता है कलर करना, बैकग्राउंड्स में अगर उसके ऊपर कलर करना चाहते हैं तो क्या करें, डी आई वी स्टाइल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको ई कलर में करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा, इस वर्ड्स के नीचे में लगाऊँगा, पेस्ट किया, आपको ये वर्ड के नीचे करना है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं स्लेस और डी आई वी कर दूँगा, रन कराएँगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो वो लग जाएगा, देखिए आया कि नहीं आया। अब मैं यहाँ पर जो कलर हमको ये नहीं चाहिए हमको उसे रेड रेड कर दूँगा, रेड करने वाला रन कराएंगे, यहाँ पर तो वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा वो रेड कलर का हो जाएगा, ये चीज़ आपका होगा। इसे अगर टेक्स्ट कलर करना है तो यहाँ पे कलर लगाए, कलर लगाने के बाद आपको टेक्स्ट कलर कर देंगे, तब वो कलर हो जाएगा। तो आप लोगों ने सीखा डी आई वी का प्रयोग कैसे करते हैं, डी आई वी टाइप का प्रयोग कैसे करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तक पहुँचे रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।